अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये कंटिन्यू मैकेनिक्स मैथ 409 लेक्चर नंबर 10A। 10 क्योंकि लेंथी लेक्चर है इसलिए मैंने इसको दो पार्ट्स में तकसीम कर दिया है। ये आपका पार्ट ए है, आपके पास जो पीडीएफ फाइल है वही वाली है, उसको दो हिस्सों में हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो ले जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करेंगे। टॉपिक का नाम है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अभी तो मैंने डायग्राम नहीं समझाई, लेकिन ये जो यू साहब नजर आ रहे हैं ना, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो यू साहब है, यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमेशा जब कोई कॉम्प्लिकेट चीज आए तो ढूंढा करें उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपने पहले देखी हुई है। बिल्कुल देखी हुई है। ये देखें, आपने पहले देखा होगा कि ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है। ये लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी, लास्ट लेक्चर में हमने कहा था ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है या अनडिफॉर्म्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और उसके अंदर जो पॉइंट पी है जो कि बॉडी का पार्ट है, उसका जो पोजिशन वैक्टर होगा वो होगा जी कैपिटल एक्स विद रेफरेंस टू ऑरिजिन कैपिटल ओ। उसके बाद यहाँ पे देख लें, एक डिफॉर्मेशन होती है काई, और यही वाली रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है करंट कॉन्फ़िगरेशन एट टी इज इक्वल टू टी, क्योंकि ये थी एट टी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम बी टी भी कहते हैं। और यही वाला जो आपके पास पॉइंट है, ये जो पी है अब यहां पहुंच गया, ये कैपिटल पी स्मॉल पी नहीं है, वही वाला बॉडी का पार्ट है जो पहले यहां पे था अब यहां पे है, अब पहले इस पॉइंट पे था अब इस पॉइंट पे है। अगर इसको ज्वाइन कर दिया जाए तो यही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट असल में डिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक खास डायरेक्शन में होता है। ठीक है जी, एक चीज हो गई। दूसरा, फिर हमने कहा था जब आपके पास करंट कॉन्फ़िगरेशन होगी तो वही जो बॉडी पार्ट पी है या पॉइंट पी जो है, इन शॉर्ट पॉइंट पी, उसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल एक्स होगा विद रेफरेंस टू एन अदर ओरिजिन स्मॉल ओ। फिलहाल हमने कैपिटल ओ और स्मॉल ओ कोइंसिडेंट नहीं लिए, आगे जाके हम इनको ज्वाइन कर देंगे, आगे जाके हम इनको ज्वाइन कर देंगे। देखें, इस तरह के स्टेप्स लिए जाते हैं मैथमेटिक्स में ताकि जरा जो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशन है उनको अवॉइड किया जा सकता है। अब दिमाग में आ रहा है कि अभी क्यों नहीं किया हुआ, अभी जनरल पिक्चर आपके सामने लेकर आनी है जिसमें कि ये ओरिजिन्स डिफरेंट है। बहरहाल अभी स्मॉल एक्स आ गया, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं, स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री, वही आपके पास होगी। ये आपके पास है स्मॉल एक्स वन एक्सिस, ये आपके पास है स्मॉल एक्स टू एक्सिस, ये आपके पास है स्मॉल एक्स थ्री एक्सिस। ये मैंने पहले इसलिए बताया कि यहाँ पे आपको इनका पता है, ई वन ई टू ई थ्री, कि ये आपने कहा था जी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स और बेसिस वेक्टर्स भी हैं। तो स्मॉल ई वन जो है स्मॉल एक्स वन एक्सिस के लॉन्ग है, स्मॉल ई टू जो है स्मॉल एक्स टू एक्सिस के लॉन्ग है, स्मॉल ई थ्री जो है स्मॉल एक्स थ्री एक्सिस के लॉन्ग है। बिल्कुल उसी तरह जैसे यहाँ पे कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स थ्री, तीन कंपोनेंट्स हैं कैपिटल एक्स के, और वही वाली बात यहाँ पे बेसिस वेक्टर्स हैं कैपिटल ई वन, कैपिटल ई टू, कैपिटल ई थ्री, ये भी म्यूचुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। कैपिटल ई वन है अलॉन्ग कैपिटल एक्स वन एक्सिस, कैपिटल ई टू अलॉन्ग कैपिटल एक्स टू एक्सिस, कैपिटल ई थ्री अलॉन्ग कैपिटल एक्स थ्री एक्सिस। चले, यहां तक हमने काबू कर ली डायग्राम। अब देख लें, ये भी मैंने बता दिया था ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब यहां पे देख लें, एक वेक्टर रेड कलर का आपको नजर आ रहा है जो कि बी वेक्टर है, उसने दोनों ओरिजिन्स को ज्वाइन किया हुआ है। आगे जाके मैं पहले बता दूं, ये डायग्राम अगली स्लाइड पे नहीं होगी, आगे जाके हम ये जो आपके पास है ओरिजिन्स इनको ज्वाइन कर देंगे, कोइंसिडेंट ले लेंगे, तो ये बी साहब तो हो जाएंगे जीरो। इसके अलावा ये जो आपके पास है ना, जो आपके पास सिस्टम है, मतलब है कि बेसिस वेक्टर्स कहना चाहिए, ये ज्यादा इजी हो जाएगा, बेसिस वेक्टर्स भी हम आइडेंटिकल ही ले लेंगे। आइडेंटिकल का मतलब है कि स्मॉल ई वन कैपिटल ई वन, स्मॉल ई टू कैपिटल ई टू, स्मॉल ई थ्री कैपिटल ई थ्री ले लेंगे। मैं बेसिस वेक्टर्स की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स सेम ले लेंगे, नो दे आर नॉट सेम, क्योंकि अगर वो सेम हो गए फिर तो डिफॉर्मेशन ही नहीं है। यानी कि ये हम ऑरिजिन को भी ज्वाइन कर लेंगे, और ये जो आपके पास बेसिस सिस्टम है या जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इनको भी हम क्या करेंगे, आइडेंटिकल ले लेंगे। अगली स्लाइड पे इस तरह की बात की हुई है। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से ये देखें, अभी नीचे तो मैं पढ़ता हूं, अब जरा ध्यान से देखें, यहां पे बना हुआ नहीं है लेकिन एक चीज नजर आ रही है, एक वेक्टर है ओपी, ये वाला देख लें, कर्सर को ध्यान से देखें कहां से आ रहा है वेक्टर ओपी जो है ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। इसके जरा कंपोनेंट्स देखें, कैपिटल एक्स और यू भी बनते हैं, यानी कि कैपिटल एक्स प्लस यू, ये वेक्टर ओपी बनता है। इसके अलावा इसके कंपोनेंट स्मॉल बी, स्मॉल एक्स भी हैं, स्मॉल बी प्लस स्मॉल एक्स करेंगे तब भी वो ओपी ही आता है। यानी ये इक्वेशन है, बेशक आपके पास कॉपी पेंसिल है तो अभी लिख लें, क्योंकि यहां से तो पता लग रहा है मैं वापस नहीं आ सकूंगा जब अगली स्लाइड में चला जाऊंगा। कैपिटल एक्स प्लस यू, ये देख लें, कैपिटल एक्स प्लस यू बराबर होगा इज इक्वल टू स्मॉल बी प्लस स्मॉल एक्स, और ये दोनों के दोनों बराबर होंगी, ये समीशन जो होंगी दैट इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। ठीक हो गया। अब यहां से पढ़ते हैं, वो कहता इन द फिगर द अनडिफॉर्म्ड या रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ कंटिन्यूम बॉडी एट टी इज इक्वल टू जीरो, ये देखें, और ये रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन है, एट टी इज इक्वल टू जीरो इज शोन टुगेदर विद द डिफॉर्म्ड, ये आपके पास डिफॉर्म्ड है, या करंट कॉन्फ़िगरेशन बी टी ऑफ द सेम कंटिन्यूम, एक ही बॉडी है जो डिफॉर्म हुई है, ये अनडिफॉर्म्ड, ये डिफॉर्म्ड
एट अ लेटर टाइम टी इज इक्वल टू टी, फिर पढ़ लेते हैं। वो कहता है इन द फिगर द अनडिफॉर्म्ड या रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, इसकी बात कर रहा है। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, इसकी बात कर रहा है। इज शोन टूगेदर विद द डिफॉर्म्ड या करंट कॉन्फ़िगरेशन बी टी, इसकी बात कर रहा है। ऑफ द सेम कंटिन्यूम एट अ लेटर टाइम टी इज इक्वल टू टी, इसकी बात कर रहा है। ऑल्सो वी आर यूजिंग सेपरेट कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर बोथ कॉन्फ़िगरेशन, ये मैंने कहा था फिलहाल सेपरेट है, आगे जाके आइडेंटिकल हो जाएंगे, आगे जाके एग्जैक्टली अलाइक हो जाएंगे, अलाइक ए एल आई के ई। आगे चलते हैं। अच्छा ये देख लें, नोट्स के अंदर जो आपके पास नोटेशन है ना, रेफरेंस की बी आर है और करंट की बी टी, मैंने इसलिए यूज की थी कि आर फॉर रेफरेंस, बी फॉर बॉडी, टी जारी बात है सर्टन टाइम गुजर गया तो फॉर करंट, सी नहीं लिखा हुआ, टी लिखा हुआ है क्योंकि टाइम गुजर चुका है, बी फॉर बॉडी, लेकिन जो आपकी बुक है उसमें ओमेगा नॉट और ओमेगा लिखी हुई है, इस चीज का ध्यान रख लीजिएगा। अब वो कहता है वी हैव इन द रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन, अब ये देखिए, अब ये टिप्स में होना चाहिए, इसलिए आपकी सारी बैकग्राउंड वेक्टर्स की बनाई गई, फिर टेंसर्स की बनाई गई। कैपिटल एक्स को लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स है ई है, ये वही है जब आप इसको समीशन करते हैं, कैपिटल एक्स वन कैपिटल ई वन प्लस कैपिटल एक्स टू कैपिटल ई टू प्लस कैपिटल एक्स थ्री कैपिटल ई थ्री, यानी कि ये समीशन नोटेशन ही है, इंडिसेस रिपीट हो रहे हैं, अब यहां नहीं बताया हुआ। अब वो कहता है कोऑर्डिनेट्स जो है कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू कैपिटल एक्स थ्री, इनको मेटीरियल कोऑर्डिनेट्स भी कह देते हैं, रेफरेंशियल भी कह देते हैं। ये देखें, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप कहीं और जाके कंटिन्यू मैकेनिक्स का कोर्स पढ़ें तो ये ना हो कि ये तो कराया नहीं गया। रेफरेंस का वर्ड हो तब भी अनडिफॉर्म्ड है, मटेरियल का वर्ड हो तब भी अनडिफॉर्म्ड है, आगे और वर्ड्स भी आ रहे हैं वो बाद में करेंगे। सिमिलरली वो कहता है करंट कॉन्फ़िगरेशन में आपके पास जो स्मॉल एक्स है दैट इज गोइंग टू बी एक्स आई ई आई, ये भी वही वन वन प्लस टू टू प्लस थ्री थ्री, वही है स्मॉल एक्स वन स्मॉल ई वन प्लस स्मॉल एक्स टू स्मॉल ई टू प्लस स्मॉल एक्स थ्री स्मॉल ई थ्री, ये वही वाली चीज है। अब वो कहता है ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू स्मॉल एक्स थ्री विच गिव द करंट पोजिशन ऑफ द पार्टिकल आर कॉल्ड स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, इनको आप करंट कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, लिखा नहीं हुआ, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, ठीक है जी। तो डिफॉर्म्ड के लिहाज से आपके पास हो गए स्पेशल कोऑर्डिनेट्स और रेफरेंस के लिहाज से हो गए मटेरियल कोऑर्डिनेट्स, मटेरियल वाले सारे कैपिटल में होंगे, स्पेशल वाले सारे स्मॉल में होंगे। अब वो कहता है नोट करेंगे जब टाइम जीरो है तो दोनों वैक्टर सेम है, इसका मतलब है कि डिफॉर्मेशन नहीं हुई। अब डायग्राम मेरे सामने नहीं है, इसका मतलब है कि डिफॉर्मेशन नहीं हुई, ठीक है, और इसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि फिर ये भी सेम होंगे, कैपिटल एक्स वन में स्मॉल एक्स में कोई फर्क नहीं है, कैपिटल एक्स टू में स्मॉल एक्स टू में कोई फर्क नहीं है, कैपिटल एक्स थ्री में स्मॉल एक्स थ्री में कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। वो ये वाली चीज फर्दर कहता है फ्रॉम द फिगर द डिस्प्लेसमेंट फील्ड ऑफ द पार्टिकल पी इज गिवन बाय, देखें मैंने इसलिए कहा था कॉपी पेंसिल रख लें और इसको मतलब है कि लिख लें, कॉपी पेंसिल मैंने कहा था अपने पास रखें और इसको लिख लें, मैं दोबारा बोलने लगा, मैंने कहा था कैपिटल एक्स, ध्यान से सुने, कैपिटल एक्स प्लस यू, अब ये एक्स राइट साइड पे इसलिए माइनस है, ये था कैपिटल एक्स प्लस यू इज इक्वल टू स्मॉल बी प्लस स्मॉल एक्स, अब कैपिटल एक्स को उठा के वहां पे ले गया और ये है जी डिस्प्लेसमेंट फील्ड या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वो कहता है डिस्प्लेसमेंट फील्ड ऑफ द पार्टिकल पी इज गिवन बाय, ठीक है जी, कहता इन द फ्यूचर फॉर कन्वीनियंस वी शैल अस्यूम बोथ ओरिजिन्स कोइंसाइड, उस लिहाज से ये बी जीरो हो जाएगा, ये भी मैंने डायग्राम से पीछे समझा दिया था, बी जीरो हो जाएगा, बल्कि हम इन बेसिस वेक्टर्स को भी आइडेंटिकल ले लेंगे। आगे जाके बात करते हैं, कहता है वी टेक द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं कैपिटल ई वन कैपिटल ई टू कैपिटल ई थ्री और स्मॉल ई वन स्मॉल ई टू स्मॉल ई थ्री आइडेंटिकल ले लेंगे, यानी कि बेसिस ये वाले इस इन बेसिस के आइडेंटिकल हो जाएंगे, ये मतलब है इसका, बजाय कि अब इनको लीनियर कॉम्बिनेशन लिखें कैपिटल ई वन कैपिटल ई टू कैपिटल ई थ्री, ये स्मॉल ई वन स्मॉल ई टू स्मॉल ई थ्री का ही लीनियर कॉम्बिनेशन है, ये तो पहले ही इन्हीं का लीनियर कॉम्बिनेशन था। अब कहता है फाइनली द डिस्प्लेसमेंट फील्ड ऑफ द पार्टिकल पी इज गिवन बाय दिस, वो इसलिए कि जो बी साहब थे वो जीरो हो गए थे, जो बी साहब थे वो जीरो हो गए थे, ये था स्मॉल एक्स माइनस कैपिटल एक्स प्लस बी था और बी जीरो हो गया, और यहाँ पे आई साहब जो है ना ये वन टू थ्री, ये देख लें इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी, अच्छा बस बहुत हो गया, नहीं आई इज इक्वल टू वन टू थ्री, चलो ठीक है, अच्छा जी बी साहब तो हो गए जीरो। अब वो कहता है रिकॉल करें जो आपके पास वेलोसिटी फील्ड थी मटेरियल कोऑर्डिनेट्स में, अब देख ले, अब मैं जरा स्लो जाऊंगा इस चीज को समझे, देखें इस मैकेनिक्स का बाकियों से क्या फर्क है, आपको साफ नजर आएगा फर्क, बाकी मैकेनिक्स आप पढ़ते रहे बेशक क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े कोई और, उसमें ये नहीं होता अब बॉडी डिफॉर्म है अब अनडिफॉर्म है, हमने बहुत ध्यान रखना है कि हम डिफॉर्मेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं या अनडिफॉर्म सिचुएशन के लिहाज से बात कर रहे हैं, अगर तो अनडिफॉर्म के लिहाज से बात कर रहे हैं या ये कहना चाहिए अब इस चीज के आदि हो जाए, मटेरियल के लिहाज से बात कर रहे हैं कि स्पेशल के लिहाज से बात कर रहे हैं, अगर तो मटेरियल के लिहाज से बात कर रहे हैं तो सारे का सारा खाता जो है कैपिटल में होगा, ये तो मैंने सिंपल कह दिया, यानी कि मटेरियल कोऑर्डिनेट्स में होगा कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू कैपिटल एक्स थ्री,
अगर हम डिफॉर्म्ड के लिहाज से बात कर रहे हैं, स्पेशल के लिहाज से बात कर रहे हैं, तो सारी सिचुएशन स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री के लिहाज से होगा। अब यहाँ पे वो कहता है जी वेलोसिटी फील्ड जो है मटेरियल क्वाड्रेंट्स में वो ये बनती है। हमने ये कहा था काई का डेरिवेटिव टी के लिहाज से, और ये पार्शियल डेरिवेटिव है, कैपिटल एक्स कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखें कैपिटल एक्स कॉन्स्टेंट है। ये अगर मुश्किल लगता है तो स्मॉल एक्स का डेरिवेटिव, क्योंकि स्मॉल एक्स ही तो था जो काई था। हमने कहा था स्मॉल एक्स इज द इमेज ऑफ कैपिटल एक्स अंडर काई, यही कहा था ना, ये आपके पास आ गया, ये होगी जी वेलोसिटी। अब देखें ये चीज जरा तंग करती है, लेकिन ये चीज इस पे बेस करती है अगर आपको पता है कि ये आपके पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। अगर स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो कैपिटल एक्स को भी स्मॉल एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर सुने, अगर स्मॉल एक्स को कैपिटल एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं तो कैपिटल एक्स को भी स्मॉल एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि ये लिखा हुआ है, ये हो जाएगा काई इनवर्स, काई इनवर्स हो जाएगा। और यहां पे देख लें स्मॉल एक्स फंक्शन ऑफ टी और टी। अब देख लें इस पे कंफ्यूजन ना हो कि जी आपने तो कहा था जी कैपिटल एक्स का खाता खोलता है तो वो टी इज इक्वल टू जीरो पे होता है, तो ये टी कहां से आ गया। देखें अब ये देखें ये इस तरह की सिचुएशन है, यही तो फर्क है, यहां पे अप्लाइड मैथमेटिक्स आ गया। पहले टाइम टी इज इक्वल टू जीरो था जब हम कैपिटल एक्स को देख रहे थे, फिर टी इज इक्वल टू टी हुआ जब हम स्मॉल एक्स को देखना शुरू हो गए, फिर स्मॉल एक्स वापस चला गया कैपिटल एक्स पे, तो टाइम तो और ज्यादा गुजर गया। सो दिस इज फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल, ठीक है, ये मैंने बता दिया, दोबारा भी आप सुन सकते हैं। अलबत्ता ये मैं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है कि जी कैपिटल वी फंक्शन ऑफ काई इनवर्स देन फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, ये क्या तमाशा भाई। तो भाई इतना ही करना है तो फिर आप लिख ही लो इसको, स्मॉल एक्स का फंक्शन लिख लो, टाइम का तो था ही, इसको स्मॉल एक्स का। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, अगर स्मॉल एक्स का फंक्शन लिखना है तो यहां पे स्मॉल वी आएगा, और यही मैंने आज इस लेक्चर में आपको अंडरस्टैंड करवाना है, समझाना है कि भाई ये वाली जो वेलोसिटी फील्ड है ये आपके पास है मटेरियल अनडिफॉर्म्ड खाता, ये जो वेलोसिटी फील्ड है आपके पास ये है स्पेशल डिफॉर्म्ड खाता। अब यहां पर कहता हूं ये जो लिखा हुआ कि वेयर वी डिनोट्स द स्पेशल डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ, वो अगले पेज पे चला जाएगा या अगली स्लाइड पे चला जाएगा, वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, ये कहना चाहिए स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री, टाइम तो दोनों में आता है। तो आज हम क्वेश्चन भी करेंगे जिसमें आपको पता लग जाएगा जी कैपिटल वी निकालना है तो कैसे होगा, स्मॉल वी निकालना है तो कैसे होगा। अलबत्ता ये फिलहाल इतना अंडरस्टैंड कर लें, फिलहाल इतना ही है कि कैपिटल एक्स को भी स्मॉल एक्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि काई आपके पास जो है दैट इज एन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ये ले जी वही स्पेशल कोऑर्डिनेट्स लिखा हुआ है स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, एक्स थ्री, ये जो स्मॉल वी लिखा हुआ था, ठीक है, उसकी डिस्क्रिप्शन जो होगी इन कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में होगी स्मॉल वी की। सिमिलरली कैपिटल ए भी होगा, स्मॉल ए भी होगा, एक्सेलरेशन है। ये वाला जो आपके पास है मटीरियल है, ये आपके पास जो स्पेशल है क्या, डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेलरेशन। सिमिलरली ये वाली और ये वाली डिनोट कर रही है मटीरियल एंड स्पेशल डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सेलरेशन फील्ड रिस्पेक्टिवली। कैपिटल ए जो है यहाँ पे देख लें, ये डेरिवेटिव बनता है कैपिटल वी का विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है जी, कैपिटल वी का विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देख लें इस पे कंफ्यूजन ना हो जाए कि जी कभी यहाँ पे हम स्मॉल, कभी असल चीज ये है कि यहाँ पे देख लें अंदर जो चीज आ रही है, जो आपके पास आंसर आएगा क्वेश्चन करेंगे मजीद क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन पे मजीद क्लियर होगा। राइट साइड में जो आंसर आ रहा है अगर कैपिटल एक्स की फॉर्म में आ रहा है तो फिर ये आपके पास जो है मटीरियल डिस्क्रिप्शन ही है, ये चीज बनती है। कैपिटल वी का डेरिवेटिव ले लें पहला, कीपिंग कैपिटल एक्स कॉन्स्टेंट, तो ये आपके पास आएगा, ठीक हो गया जी, ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन, कौन सी, मटीरियल। अब फिर वही खाता कि कैपिटल एक्स को स्मॉल एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये तकल्लफ करने की बजाय उसको स्मॉल एक्स का फंक्शन लिख लें, लेकिन फिर स्मॉल ए करें इसको, और यही मैंने अगली जो आपके पास एग्जांपल है उसमें समझाना है। ये कहता है वेलोसिटी कंपोनेंट्स एंड एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स फॉर कैपिटल वी कैपिटल ए, ये आपके पास बनेंगे वी आई, कैपिटल वी वन, कैपिटल वी टू, कैपिटल वी थ्री, ये इसके कंपोनेंट्स, कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री, ये इसके कंपोनेंट्स, स्मॉल वी वन, स्मॉल वी टू, स्मॉल वी थ्री, ये इसके कंपोनेंट्स, स्मॉल ए वन, स्मॉल ए टू, स्मॉल ए थ्री, ये इसके कंपोनेंट्स। अब वो कहता है एग्जांपल करें, कहता मोशन ऑफ अ कंटिन्यूम बॉडी इन द मटेरियल डिस्क्रिप्शन इज गिवन। अब देख लें ये कंफ्यूजन हो जाए, मटेरियल डिस्क्रिप्शन कह रहे हैं फिर ये स्मॉल कहां से आ रहा है, देखें स्मॉल ही है, स्मॉल ही है, लेकिन राइट साइड मैंने कहा था किसका फंक्शन है, कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू, एक्स थ्री किसका फंक्शन हो गया, मटीरियल कोऑर्डिनेट्स का, तो ये मटीरियल डिस्क्रिप्शन ही है। अब वो कहता है अगर टाइम पॉजिटिव है, देखें टाइम पॉजिटिव का मतलब यही यहां से निकलता है कि आपके पास डिफॉर्मेशन हो चुकी है, टी जीरो पे तो होती नहीं है, टी जीरो पे तो होती ही नहीं है, ठीक है ना जी, तो डिफॉर्मेशन हो चुकी है, टाइम पॉजिटिव है। वो कहता है फाइंड वेलोसिटी एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स ऑफ मटीरियल एंड स्पेशल, फिर सुने, वो कहता है फाइंड द वेलोसिटी एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स ऑफ मटीरियल एंड स्पेशल कोऑर्डिनेट्स एंड टाइम, ठीक है जी।
मतलब कहने का ये है कि एक क्वेश्चन के बन गए 12 क्वेश्चन, घबराना नहीं, जरा समझे, मैं तो समझा रहा हूं आपको। उसने कहा फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, तो और कौन से वाले, मटेरियल भी तो स्पेशल भी। तो भाई यहां से देखे ना, आपने कैपिटल वी वन, कैपिटल वी टू, कैपिटल वी थ्री निकालना है, आपने स्मॉल वी वन, स्मॉल वी टू, स्मॉल वी थ्री निकालना है, सिक्स हो गए छक्का। अब एक और छक्का मारे, कैपिटल ए वन, कैपिटल ए टू, कैपिटल ए थ्री निकालना है, स्मॉल ए वन, स्मॉल ए टू, स्मॉल ए थ्री निकालना है। तो ये देख लें, एक क्वेश्चन के ही बन गए कितने, 12 सवाल, या 12 पार्ट्स कर ले, चले यूं कर ले, दर्जन पूरे हो गए। ये ले जी, मटेरियल कॉर्ड्स में स्टार्ट करने लगा है। यहां मैंने दोबारा बताया हुआ है, ये कैपिटल वी के ये कंपोनेंट्स हैं, ये तीनों हैं, और ये हैं जी मटेरियल डिस्क्रिप्शन, क्योंकि कैपिटल में ये जो आपके पास एक्सेलरेशन है, इसके भी तीन कंपोनेंट्स हैं, जो कि ये हैं, ये होगी मटेरियल डिस्क्रिप्शन। अब हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था वी वन जो था, देखें पीछे थ्योरी अंडरस्टैंड किया करें, इसमें मतलब है कि घबराने वाली बात नहीं है, जो मैं कह रहा था ये ना पता लगे कि यहाँ आप स्मॉल एक्स वन क्यों लिखा हुआ है, कैपिटल एक्स वन क्यों नहीं लिखा हुआ। हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वेलोसिटी की, ये लिखा था कि आपके पास जो है काई का डेरिवेटिव, पीछे देख लीजिएगा, काई का डेरिवेटिव टी के लिहाज से कीपिंग कैपिटल एक्स कॉन्स्टेंट, ठीक है जी। तो अब यहां पर देख लें, जब कैपिटल एक्स है ही कॉन्स्टेंट, तो उसके लिहाज से थोड़ी मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूँ, ये फिर लॉजिक आ गई। अब स्मॉल एक्स के लिहाज से करना है, और कैपिटल क्यों आ रहा है जब स्मॉल एक्स को कर रहे हैं, इसलिए कि स्मॉल एक्स इनका फंक्शन है, कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स थ्री टी। अब जब ये लिखा गया, अब स्मॉल एक्स वन की वैल्यू क्या थी, अब ये जो पीछे वैल्यूज दी हुई थी ना, वो वाली थी, देखिए नीचे भी दी हुई है, नीचे भी दी हुई है, फिलहाल मैं यहां पर चला गया हूं, पिछले क्वेश्चन में जो स्मॉल एक्स की वैल्यू थी यही थी, ई पावर टी कैपिटल एक्स वन माइनस ई पावर माइनस टी एक्स टू, यही यहां लिखी हुई है, ध्यान से देखें, यही वाली वैल्यू यहां पे लिखी हुई है ना, स्मॉल एक्स वन की वैल्यू ये है। अब मैंने यही कहा था कि कैपिटल एक्स कांस्टेंट है, यानी कि कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू कांस्टेंट है। पार्शियल डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो जिस वेरिएबल के लिहाज से लेते हैं उसके लिहाज से करते हैं, बाकी सारा कॉन्स्टेंट। ई पावर टी का तो ई पावर टी होता है, ई पावर माइनस टी का होगा ई पावर माइनस टी इन टू माइनस वन, क्योंकि माइनस टी का माइनस वन होता है, और माइनस माइनस प्लस, सिंपल डिफ्रेंसिएशन है ये, इस लेवल पे तो मैं इसको सिंपल डिफ्रेंसिएशन ही कहूंगा। अब ये आपके पास आ गया कैपिटल वी वन, ठीक हो गया। अब उसने कहा सिमिलरली वी टू, अब वी टू उसने यहां पर निकाला हुआ है, वी टू के लिए आपको एक्स टू को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स टू, यहां से देखें ये है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई पावर टी का तो ई पावर टी होता है, वही लिखा हुआ है, इसको करेंगे तो ये माइनस नीचे आएगा, ये लिखा हुआ है। अब आ गया जी आपके पास वी थ्री, इसके लिए आपने स्मॉल एक्स थ्री को करना है, लेकिन स्मॉल एक्स थ्री यहां पर नहीं लिखा हुआ, पिछली स्लाइड पर देखिएगा कैपिटल एक्स थ्री था, स्मॉल एक्स थ्री कैपिटल एक्स थ्री था, और कैपिटल एक्स थ्री का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी हो जाएगा जीरो। तो ये तीन आगे, वन टू थ्री, ठीक है जी, ये तीन वेलोसिटी फील्ड के आपके पास आगे कंपोनेंट्स, यूं कहना चाहिए, ये तीन वेलोसिटी फील्ड के आपके पास आगे कंपोनेंट्स, लेकिन ये आपके पास आई है मटीरियल, मटीरियल आई है, क्योंकि कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू इसके फंक्शन के तौर पर आए हैं। अब बेहतर होगा ये तीन कैपिटल वाले निकल आए हैं, तो तीन कैपिटल वाले एक्सेलरेशन वाले कंपोनेंट्स भी निकाल लें, सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दें टी के लिहाज से, तो ए वन आ जाएगा, यानी कि ई पावर टी का वो तो खुद ही होता है, ई पावर माइनस टी का माइनस, ये लें जी ए वन आ गया। अब इसको कर दें, ये जब आप करेंगे तो यहां पर देख लें, वी टू का टाइम डेरिवेटिव ले लें या पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टाइम ले लें, तो ई टी का तो वही होता है, ये आपके पास ई पावर माइनस टी का आपके पास आ जाएगा ई पावर माइनस टी इंटू माइनस वन, वो हो जाएगा प्लस, ठीक हो गया। ये जीरो कैसे हो गया, क्योंकि ये सब जीरो थे, तो आधा क्वेश्चन आपका हो गया। अब आपने स्पेशल भी करने हैं, स्पेशल भी करने हैं, उसमें देखें ये ना हो जाए कि दोबारा से डिफरेंशिएट करना है, तरीका ये होगा कि यहां पे देख लें, इसको देखें ध्यान से, हम कोशिश ये करेंगे कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू को लिखें इन टर्म ऑफ स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू। अब ध्यान से सुने मैं क्या बोलने लगा, एक तरीका तो ये है, ये देखें ये स्मॉल एक्स वन लिया हुआ है, ये स्मॉल एक्स टू भी गिवन है, एक तो है कि यहां से आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करें और कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू निकाल लें। आप कहेंगे यू किस तरह निकल सकता है, वो इस तरह निकल सकता है कि सपोज करें इन दोनों टर्मों को मैं ऐड करता हूं, स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू ऐड करता हूं, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी ना, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, कैपिटल एक्स वन यहां से निकल आएगा, कैपिटल एक्स वन भी निकाल लें, एक बार इनको माइनस कर दें तो फिर आपके पास कैपिटल एक्स टू भी निकल आएगा, वो कैपिटल एक्स वन वो कैपिटल एक्स टू यहां पर सब्स्टिट्यूट करें, ये तो एक तरीका है। लेकिन दूसरा तरीका, एग्जाम में टाइम बचाएं, ध्यान से देखें, ये सारे का सारा जो है सारे का सारा यही है ना, तो स्मॉल एक्स टू है, तो भाई ये है ही स्मॉल एक्स टू, कैपिटल वी वन स्मॉल एक्स टू है। और इसमें बताऊं, अब आप कहेंगे जी अगर ये टेक्निक ना नजर आए, ये टेक्निक नजर ना नजर आए तो फिर मैंने आपको अभी जो तरीका बताया था वही वाला करें, यानी कि इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू निकाल लें और उसके बाद यहां सब्स्टिट्यूट करें, कटकट आएगा एक्स टू, को नया आंसर नहीं आएगा, स्मॉल एक्स टू आएगा। एनीवे ये सारे का सारा गिवन है स्मॉल एक्स टू, तो आपके पास कैपिटल वी वन तो आ गया,
एक्स टू, लेकिन अब इसको मैं स्मॉल यू लिखूंगा क्योंकि अब ये डिस्क्रिप्शन, हालांकि देखें इक्वली आ रहा है, ये वाली चीज वी वन के बराबर है क्योंकि अब आपके पास स्मॉल यू वन फंक्शन है किन का, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स, अलहदा बात है सिर्फ एक्स टू आ रहा है लेकिन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री छोटे वाले स्मॉल वाले, ये आपके पास बनती है मटेरियल डिस्क्रिप्शन क्योंकि इसमें कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू आ रहे हैं। इस तरह से वी टू है, वी टू जो आपके पास है इसके बराबर था। अब जरा ध्यान से देखें, वी टू जो आपके पास था ये सारी की सारी चीज ये एक्स वन के बराबर थी, ये मैंने पहले बताया था, ये पीछे आप स्लाइड में देख लीजिएगा, एक्स वन इसी के बराबर था, एक्स वन इसी के बराबर था, तो ये चीज बन जाएगी आपके पास एक्स वन। अब इसको मैं स्मॉल वी टू लिखूंगा। रह गया जी इसका मसला, एक तो ये है ना, ये भी अभी आपने करना है, एक तो इसका मसला रह गया, लेकिन अब रह गया आपके पास कौन सा वाला, इसका मसला, क्या नाम है, ये था कि इसका मसला ये रह गया, तो लेकिन ये तो जीरो है तो ये तो जीरो है। अच्छा अब इसको भी समझ लें, ये ना लगे ये मैं मिस कर गया हूं। ये देखें, जब आपने स्मॉल इवन लेना है तो सीधी सी बात है ये बनती है स्पेशल डिस्क्रिप्शन, सिंपल रखें कॉम्प्लिकेट ना करें, ये फंक्शन होगा स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू स्मॉल एक्स थ्री का, ये हालात होंगे, ऐसे लिख लें, ये भी वही बात है, ये बड़ी चीज तंग करती है कि ये तो स्केलर है और फंक्शन होगा वेक्टर है, मतलब कहने का ये है कि जो वेक्टर के कंपोनेंट्स है ना एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री छोटे वाले, उनका ये फंक्शन है। अब ये वाली चीज होगी तो x जो होता है स्मॉल x, इसको कहते हैं जी क्या, काई, वो डिफॉर्मेशन ही तो है, स्मॉल x आपके पास था इमेज ऑफ कैपिटल x अंडर काई, यानी कि x था काई फंक्शन ऑफ कैपिटल x t, ये हो गया। तो जब ये हालात हो गए तो यहां पर देख लें, अब ये जो v1 है ये छोटा चला रहा है, ये ध्यान रखें यहां पे जरा सही लिखा नहीं गया था इसलिए मैंने यहां पे थोड़ा सा लूप बनाया हुआ है, ये भी छोटा है ये भी छोटा है ये भी छोटा है, ये फंक्शन आपके पास बन जाता है किसका, काई का, काई किसका फंक्शन है, कैपिटल एक्स का। तो इतनी तकल्लुफ ना करें, ये तो बहुत तकल्लुफ हम कर रहे हैं, इसको कैपिटल एक्स का ही फंक्शन लिखते हैं, लेकिन अब कैपिटल वी वन कर दें, इसको कैपिटल वी वन कर दें, अलबत्ता ये वाला जो है इसके हालात ये बनते हैं, इसके हालात ये वाले बनते हैं, ये जो काई लिख लें या स्मॉल एक्स लिख लें और लिख दें फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स एंटी, ये चीज है। तो एक तो ये हो गया, उम्मीद है पता लग गया होगा। फाइनली वी हैव जो लिखा हुआ है ना, यहां से देख लें, आगे तो लिखा ही होगा, यहीं से देखते हैं। अब यहां से देखें, ये जो आपके पास एक्सेलरेशन आ रही है ये है, लेकिन स्मॉल ए वन क्या होगा, स्मॉल ए वन का आंसर स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू स्मॉल एक्स थ्री में आएगा, ये देख के क्या लगता है किसके बराबर है, ये स्मॉल एक्स वन के बराबर है, तो स्मॉल ए वन स्मॉल एक्स वन ये लिख लें, नोट कर लें ताकि ज्यादा अंडरस्टैंड करेंगे अगली स्लाइड पे जाके, स्मॉल ए वन स्मॉल एक्स वन के ही बराबर है। इसी तरह से यहां पर देख लें, ए टू जो इसके बराबर है वैसे ही किसके बराबर है, एक्स टू, तो जो आपके पास स्मॉल ए टू होगा स्मॉल एक्स टू के बराबर होगा, और रह गया स्मॉल ए थ्री, उसने जीरो होना है। अब आगे चलते हैं, ये लें जी, यहां पे तो करके दिखाया हुआ है, मैंने तो वैसे ही बता दिया कि स्मॉल ए वन स्मॉल एक्स वन के बराबर है, लेकिन यहां पे बकायदा करके दिखाया हुआ है। पहले इन्होंने कहा है कि स्मॉल ई वन का डेरिवेटिव टी के लिहाज से बनता है क्योंकि स्मॉल ए वन, और वी वन आपने पिछली स्लाइड पर चेक कर लीजिएगा, वी वन आपने बकायदा निकाला था एक्स टू के बराबर, एक्स टू की वैल्यू जो थी ये थी, और वैसे मैं बताऊं यहां भी दी हुई है, यहां भी दी हुई है, दोबारा डिफरेंशिएट करना है दोबारा कर लें, ई टी का तो ई टी ही होता है, और यहां पे ई पावर माइनस टी का ये माइनस यहां पर आ जाएगा, और ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है ये स्मॉल एक्स वन ही बनती है, ये देखें स्मॉल एक्स वन ही बनती है, और ये जो मैंने लिखा है नोट दिस स्टेप, ये मैंने इसलिए लिखा है कि क्योंकि आप स्मॉल ए वन निकाल रहे हैं तो अगर आप यहां तक छोड़ेंगे क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, यहां तक छोड़ेंगे क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि ये है स्पेशल एक्सेलरेशन का फर्स्ट कंपोनेंट, तो इसका आंसर स्पेशल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में आना चाहिए, और दिस इज अ स्पेशल कोऑर्डिनेट, उम्मीद है पता लग गया होगा। ए वन आ गया स्मॉल एक्स वन, जो मैंने पिछली स्लाइड में पहले बता दिया था, पहले ही बता दिया था, ठीक है जी। अब आता है जी ए टू, और वहां से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो मैंने सारा करके दिखाया ना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वहां आपके पास जो कैपिटल ए वन कैपिटल ए टू उनको कन्वर्ट कर ले। अब कैपिटल ए टू मेरे यहां पे नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल उसने कहा जी कि स्मॉल वी टू का डेरिवेटिव टी के लिहाज से, ठीक है जी एक्सेप्टेबल है ये, स्मॉल वी टू का डेरिवेटिव टी के लिहाज से। अब मैं वही कह रहा हूं कि यहां पे कंफ्यूजन ना हो कि स्मॉल आएगा कि बड़ा आएगा, असल चीज है जो राइट साइड पे आपके पास आंसर आ रहा है ना, ये देखें फिलहाल तो कैपिटल में आ रहा है, इसको कैपिटल को कन्वर्ट करना है आपने किसमें, स्मॉल में। इस तरह से इसको दिमाग में रखें, इस तरह से इसको दिमाग में रखें, ठीक है जी। अब यहां पर देख लें, हमने कहा था वी टू का डेरिवेटिव टी के लिहाज से, अब वी टू यहां तो मेरे सामने नहीं है, लेकिन पिछली स्लाइड पे देखें तो ये आपके पास था स्मॉल एक्स वन, ध्यान से देखें मैं सारा बताने लगा हूं जुबानी, ये था स्मॉल एक्स वन, और स्मॉल एक्स वन क्या था, स्मॉल एक्स वन ये था, इसका डेरिवेटिव क्या था, इसका डेरिवेटिव यहां पे तो यही था, ये प्लस हो जाता है इसकी वजह से प्लस हो जाता है, तो ये क्या था एक्स टू, दे मैंने दोबारा कर दिया, दोबारा सुन लीजिएगा, और ये क्योंकि कैपिटल ए थ्री जीरो था तो ए थ्री स्मॉल वाला भी जीरो आ गया,
अच्छा देख ले, इस कोर्स से घबराना नहीं है। इसके अंदर एक मसला जरूर होता है, मैं मसला नहीं कहूंगा बल्कि इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए। एक चीज होती है कि इसके अंदर ना टर्मिनोलॉजीज अच्छी खासी हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा अनडिफॉर्म्ड, आसान लगता है, फिर हमने कहा रेफरेंस, चलो फिर हमने कहा मटीरियल, चलो। अब मटीरियल डिस्क्रिप्शन को लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, मटीरियल डिस्क्रिप्शन को लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। वो कहता है मटीरियल डिस्क्रिप्शन इज आल्सो रेफर्ड एज लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन। फॉर एग्जांपल वो कहता है जो लास्ट एग्जांपल आपने की है लैग्रांजियन डिस्क्रिप्शन ये है। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। आप कहेंगे जी जो आप अभी कह रहे थे मटेरियल है, रेफरेंस है, फिर स्मॉल एक्स वन आ गया, फिर स्मॉल एक्स टू आ गया, स्मॉल एक्स थ्री, भाई वो आ गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ राइट हैंड साइड पे चीज आ रही है वो किस चीज का फंक्शन है। वो आपके पास कैपिटल एक्स वन, कैपिटल एक्स टू, कैपिटल एक्स थ्री का फंक्शन है, और कैपिटल एक्स वन, और कैपिटल एक्स टू, और कैपिटल एक्स थ्री, ये आपके पास मटीरियल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये आपके पास रेफरेंशियल कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वो वाले कोऑर्डिनेट्स हैं जब बॉडी डिफॉर्म नहीं हुई थी। तकरीर खत्म। नहीं, अभी थोड़ी सी रहती है। अच्छा अब आती है एक और चीज। आपने कहा था जब आपके पास बॉडी डिफॉर्म हो जाती है तो चलो जी वो करंट कन्फिग्रेशन हो जाती है, और उस डिस्क्रिप्शन को आप स्पेशल डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं, उसको आइलेरियन भी कहते हैं, उसको आइलेरियन भी कहते हैं। वो कहता है स्पेशल डिस्क्रिप्शन इज आल्सो रेफर्ड एज आइलेरियन डिस्क्रिप्शन। वो कहता है जो लास्ट एग्जाम्पल थी उसमें आइलेरियन डिस्क्रिप्शन ये थी। देखें ये मैं जुबानी जुबानी बोल रहा था, लेकिन मैंने करके नहीं दिखाया था, अब यहाँ पे कर भी दिया। जो मैंने कहा था साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें और कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू निकाल लें, ये वही हुआ है। चलें स्कूल से इसको देखते हैं, ये सही है। इस टर्म को ऐड करें, ये वाली टर्म हो जाएगी कैंसल, ये वाली टर्म हो जाएगी ट्वाइस ई पावर टी कैपिटल एक्स वन। ट्वाइस जब इधर जाएगा तो ये नीचे नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि आपने किया था स्मॉल एक्स वन प्लस स्मॉल एक्स टू, ये और ये यहाँ चला गया। ई पावर टी लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा तो ई पावर माइनस टी, ये मैंने जुबानी जुबानी कर दिया, आप बेशक लिख के कर लीजिएगा। इसको कहते हैं जी ऑयलेरियन डिस्क्रिप्शन, क्योंकि यहाँ पे देख लें राइट हैंड साइड पे जो चीज आ रही है दैट इज अ फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू। हालांकि राइट हैंड वाली लेफ्ट हैंड वाली सेम है, आप कहेंगे सर क्या बोले जा रहे हैं, हालांकि सेम है। मेन चीज है कि जो आपके पास डिस्क्रिप्शन है इज दिस अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स, या यू कर लें इज दिस अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स वन कैपिटल एक्स टू कैपिटल एक्स थ्री, या स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू स्मॉल एक्स थ्री। भाई अगर कैपिटल एक्स वन है कैपिटल एक्स टू है कैपिटल एक्स थ्री है तो बन जाएगी लैग्रांजियन या मटीरियल डिस्क्रिप्शन। अगर राइट हैंड साइड पे आपके पास सारी डिस्क्रिप्शन आ रही है इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एक्स वन स्मॉल एक्स टू स्मॉल एक्स थ्री तो वो बन जाएगी ऑयलेरियन स्पेशल। ये हो गई, इसको भी चेक कर लेंगे सही है ये वाला। अब आप ये करें कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट वाली माइनस कर दें, एक्स टू माइनस एक्स वन स्मॉल एक्स टू माइनस स्मॉल एक्स वन, तो ये कैपिटल एक्स वन वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये दिस माइनस माइनस ये ट्वाइस हो जाएगा, ये जाएगा ट्वाइस ई पावर माइनस टी एक्स टू, ये हो जाएगी ट्वाइस ई पावर माइनस टी इंटू कैपिटल एक्स टू। ठीक है जी, और किया क्या था आपने, आपने किया था एक्स टू माइनस एक्स वन, वो भी मुझे यहां पे नजर आ रहा है। और जब ये टर्म बन जाएगी ट्वाइस ई पावर माइनस टी इंटू एक्स टू, टू जाएगा जी नीचे, वो ये नजर आ रहा है। ई पावर माइनस टी लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ई पावर टी, ई पावर माइनस टी जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो ई पावर टी। ठीक हो गया, ये बस सबसे आसान है। कितना आसान है, पहले स्मॉल एक्स थ्री को लिखा था कैपिटल एक्स थ्री, अब कैपिटल एक्स थ्री को स्मॉल एक्स थ्री लिख दिया। तो ये ले जी, ये मैंने ए पार्ट कर लिया, ए पार्ट आपका यहां तक ही है, इसको जरूर कर लीजिएगा। और जब ये आप कर लेंगे तो जो मेरे डायरेक्ट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो असाइनमेंट मिली हुई है उसके अंदर एक क्वेश्चन है, होपफुली आराम से हो जाएगा आपका। तो बहरहाल अब इसको मैं यहीं पे एंड करता हूं और देखें आगे क्या है जी। ये कह रहे हैं जी कोई सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा, ये तो हैप्पी एंडिंग हो गई लगती है। और ये लेक्चर 10A आपका एंड हो गया, अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 10B में। अल्लाह हाफिज़।